नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनबी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर बड़ी वारदात और आपराधिक घटनाओं के पीछे साजिश से लेकर अपराध करने तक आप कार्यकर्ता या नेता पाए जाते हैं और जांच के दौरान पुलिस पर कातिलाना हमले भी होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का साजिश वाला एक घिनौना चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? सबको पता है कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। CAA, उसके विरोध के समय तरह तरह के अपराधों में लिप्त, और आम आदमी पार्टी का इनसे बहुत प्रेम भाव है। वो उनके पार्टी के लिए काम करते हैं, पदों पे आते हैं, उनको बड़ी आसानी से उनके वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। जरूरत है कि अब इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है कि दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। और जब पुलिस जांच करने जाती है तो पुलिस के ऊपर सुनियोजित ढंग से प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अटैक होते हैं। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का यह जो साजिश वाला चेहरा घिनौना है, यह उजागर हुआ है, और एजेंसियों को, पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए इनके तह तक पहुंचना चाहिए। ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।